बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार रात को लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती से उनके निवास पर मुलाकात की, उनके पांव छुए और उत्तर प्रदेश में हुए सपा बसपा गठबंधन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव की मंशा रही है कि उत्तर प्रदेश में भी बिहार की तरह क्षेत्रीय पार्टियों का गठबंधन हो। उत्तर प्रदेश में शनिवार को सपा और बसपा ने गठबंधन का ऐलान किया है। दोनों दल राज्य में 38-38 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी और मायावती की मुलाकात करीब एक घंटे चली। रात करीब 11 बजे माया और तेजस्वी ने मीडिया से बात की। तेजस्वी ने कहा कि वे सबसे छोटे हैं, इसलिए बड़ों का आशीर्वाद लेने यहां आए हैं। आज वे अखिलेश यादव से भी मिलेंगे। तेजस्वी ने मायावती को जन्मदिन की अग्रिम बधाई दी। इस मौके पर तेजस्वी ने कहा कि लालू जी ने मोदी के आगे घुटने नहीं टेके, इसलिए जेल में हैं। उन्होंने देश में अघोषित आपातकाल लगाया है। संविधान से छेड़छाड़ की जा रही है। आरक्षण को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं पर तानाशाही की जा रही है। तेजस्वी ने कहा कि जो बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कही थी, वही काम मोदी जी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मोदी जी से सिर्फ विचारों और सिद्धांतों की लड़ाई है। मध्य प्रदेश की विधानसभा उपाध्यक्ष और लांजी विधायक हीना कावरे रविवार देर रात सड़क दुर्घटना में बाल बाल बची। उनकी कार के आगे चल रहे पुलिस वाहन को सामने से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी। हादसे में कार ड्राइवर और 3 पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई। मध्य प्रदेश की विधानसभा उपाध्यक्ष और लांजी विधायक हीना कावरे रविवार देर रात सड़क दुर्घटना में बाल बाल बच गई। उनकी कार के आगे चल रहे पुलिस वाहन को सामने से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी। हादसे में कार ड्राइवर और 3 पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से जख्मी एक पुलिसकर्मी को नागपुर रेफर किया गया है। राज्य सरकार ने हादसे की जाँच के आदेश दिए हैं। ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। हीना के पिता और पूर्व मंत्री लिखीराम कावरे की 1999 में उनके घर पर नक्सलियों ने गला रेत कर हत्या कर दी थी। कावरे विधानसभा उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बालाघाट आ रही थी। बालाघाट से करीब 21 किलोमीटर दूर सालेटेका गांव के पास उनके फॉलो वाहन को ट्रक ने टक्कर मार दी। ठीक पीछे चल रही हीना की गाड़ी को उनके ड्राइवर ने सूझबूझ से बचाते हुए आगे निकाल लिया। दुर्घटना में जान गंवाने वाले 3 पुलिसकर्मियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद और अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। मृतकों में एसआई हर्षवर्धन सोलंकी, हेड कांस्टेबल हामिद शेख, सिपाही राहुल कोलारे और ड्राइवर सचिन शामिल है। सिपाही अमित कौरव को नागपुर रेफर किया गया है। जो 3 शासकीय कर्मचारी पुलिस को सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल ड्यूटी के समय पे शहीद हुए हैं, सो उनका शहीद का दर्जा दिया जाएगा और हर एक परिवार को 1 करोड़ का सहायता राशि मिल जाएगी शासन की तरफ से। और इसके अलावा उनके परिवार को 1-1 सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति मिल जाएगी और इसके अलावा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन का भी प्रावधान है, वो भी उनको दिया जाएगा। क्या कुछ डिटेल आई है सर, घटना की क्या वजह रही है? क्या ट्रक वाले की गलती थी? ट्रक ड्राइवर का लापरवाही है। ट्रक ड्राइवर का आइडेंटिफिकेशन हो गया है और जल्दी से उसको गिरफ्तार करेंगे और आगे पूछताछ करेंगे। हम लोग बालाघाट से किरणापुर की तरफ जा रहे थे और सालेटेका में सामने पायलट वाली गाड़ी हमारी थी और उसने सायरन दिया। ट्रक जो आ रहा था जैसे काफ़ी स्पीड में, तो हमारी गाड़ी सेकंड नंबर पे थी और तीसरे में फॉलो थी हमारी। अचानक बहुत स्पीड से गाड़ी आई और उसे बहुत, हमारे ड्राइवर ने तो गाड़ी बचा लिया लेकिन तीसरे नंबर की हमारी जो गाड़ी है उससे जाके बहुत तेज़ी से एक्सीडेंट हुआ और हमारे 4 पुलिस के जवान, एक जिसमें एसआई सोलंकी जी, हमारे सभी ड्राइवर भी बहुत बुरी तरीके से गाड़ी में फंसे हुए थे। हम लोगों ने जैसे ही आवाज़ आई तो गाड़ी तुरंत पलटा कर लोगों ने गाड़ी से लोगों को निकालने का प्रयास किया। बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर थी, वहाँ पर निकालते नहीं बन रहा था। सब लोगों ने, आजू बाजू वालों ने, सब लोगों ने मेहनत करी और उनको बहुत मुश्किल से निकाल पाए और सीधे हॉस्पिटल लेकर गए, पर हम लोग नहीं बचा पाए उनको। आज एक हमारा जो पुलिस का साथी है वो नागपुर हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी भी कंडीशन काफ़ी सीरियस है। अभी मेरे लिए तो मेरे जीवन का बहुत बड़ी घटना, आज एक खुशी का अवसर था और अचानक रात में इतना बड़ी घटना हो गई कि मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या कैसे हो गया सब कुछ एकदम। गुजरात में सोमवार से सामान्य वर्ग के गरीबों को शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए गुजरात सरकार ने केंद्र द्वारा घोषित 10% आरक्षण की योजना का आधार बनाया है। गुजरात में सोमवार से सामान्य वर्ग के गरीबों को शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए गुजरात सरकार ने केंद्र द्वारा घोषित 10% आरक्षण की योजना का आधार बनाया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने रविवार को इसकी घोषणा की। इस व्यवस्था का फायदा अब तक आरक्षण व्यवस्था से वंचित गुजरात के सामान्य वर्ग के लगभग 1.5 करोड़ लोगों को मिलेगा।
जो कुल आबादी का करीब 28% है। अब केंद्र सरकार द्वारा पारित सवर्ण आरक्षण को लागू करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है। हालांकि ये 10% आरक्षण एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए पहले से लागू 49% आरक्षण से अलग है, इसलिए मौजूदा वर्ग के आरक्षण हितों पर कोई असर नहीं होगा। आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के तमाम वर्ग जाति संप्रदाय के लोगों को 10% अतिरिक्त आरक्षण मिलेगा। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही जीतू पटवारी अपने विधानसभा क्षेत्र के विदुर नगर क्षेत्र में पहुंचे, जहां रहवासियों ने उन्हें चुनाव के दौरान रुके कार्यों की जानकारी दी। साथ ही क्षेत्र के विस्तार और इसमें नई समस्याओं से भी उन्हें अवगत कराया। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही जीतू पटवारी अपने विधानसभा क्षेत्र के विदुर नगर क्षेत्र में पहुंची, जहां रहवासियों ने उन्हें चुनाव के दौरान रुके कार्यों की जानकारी दी। साथ ही क्षेत्र के विस्तार और इसमें नई समस्याओं से भी उन्हें अवगत करवाया। कांग्रेस की सरकार बनते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जीतू पटवारी में उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जीतू पटवारी को अपने क्षेत्र की समस्याओं से लगातार अवगत कराया जा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस सरकार में मंत्री बने जीतू पटवारी अपने विधानसभा क्षेत्र के विदुर नगर पहुंची, यहाँ पर लोगों ने उनको अपनी मूलभूत समस्याओं को अवगत कराया और साथ ही यहाँ पर मौजूद शराब दुकान से हो रही परेशानियों की जानकारी दी। उसके बाद जीतू पटवारी ने उनको आश्वासन दिया है कि शराब दुकान 1 तारीख के बाद से यहाँ पर नहीं दिखेगी। साथ ही उन्होंने लोगों को यह भी कहा कि अब किसी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ चुकी है। इसी मौके पर विदुर नगर में उनके स्वागत के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित नजर आए। इस मौके पर नगर के रहवासियों सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीतू पटवारी को मंत्री बनने पर बधाई दी। आप लोगों को विदुर नगर की जहां तक या अहिरखेड़ी की या हमारे नगर कुंदन नगर सुग्निवास पूरे वार्ड की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो इस बार हमारा दायित्व है, जिम्मेवारी है कि हम जल्दी से जल्दी पूरी करवाएं। वो चाहे ड्रेनेज की समस्या हो, चाहे पानी नल का नर्मदा का पूरा घर घर पहुंचाने की बात हो, चाहे सड़कों का जाल बिछाने की बात हो, बिजली और स्ट्रीट लाइट की बात हो, और खासकर विदुर नगर में जिस तरीके का पूरा इतना बड़ा परिवार एकदम से बसा है, इसकी आधारभूत सुविधाओं का जो लक्ष्य है वो पूरा करना हमारा दायित्व है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं, एक मास्टर प्लान बना के बात करेंगे, पर एक कलाली को लेकर हम बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। वो कलाली अगली 1 तारीख जब आती है नए साल की, तब से नहीं चलेगी। तेरे को तकलीफ हुई कलाली से? 1 अप्रैल से नए सिरे से कलाली हम नहीं लगने देंगे, जिसमें सूर्यदेव नगर विदुर नगर सत्यदेव नगर हमारे परिवार के लोग बहुत परेशान रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, दुखी, खासकर बहने महिलाएं। प्रदेश में सरकार बदलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में डर का माहौल पैदा हो गया है, जिसको लेकर गत दिनों कैलाश विजयवर्गीय ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ताओं को डरने की जरूरत नहीं है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म के पहले शो के दौरान हुए विवाद के बाद 80 से 90 भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। प्रदेश में सरकार बदलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में डर का माहौल पैदा हो गया है, जिसको लेकर गत दिनों कैलाश विजयवर्गीय ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ताओं को डरने की जरूरत नहीं है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म के पहले शो के दौरान हुए विवाद के बाद 80 से 90% भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सत्ता बदलने का असर देखने को मिल रहा है, तभी तो द एक्सीडेंटल प्राइम मूवी देखने पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं पर पहली बार पुलिस ने किसी मामले को लेकर एक्शन लिया, जिसमें पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने 80 से 90 भाजपा कार्यकर्ताओं पर धारा 188 के तहत केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि यह कार्यकर्ताओं का हुजूम भाजपा के मनस्वी पाटीदार और राहुल वाधवानी लेकर गए थे, तभी वहां पर पुलिस भी पहुंच गई। इतनी भीड़ देख पुलिस ने भी उन्हें बलपूर्वक वहां से जाने को कहा, पर कार्यकर्ता नहीं माने, जिस पर पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। उसके बाद पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ बिना अनुमति रैली निकालने और अव्यवस्थाएं पैदा करने के मामले में केस दर्ज कर लिया। इस मामले में भाजपा नगर अध्यक्ष मनस्वी पाटीदार का कहना है कि पुलिस ने भरपूर प्रयास भी किए, पर भाजपा कार्यकर्ताओं के आगे पुलिस को झुकना पड़ा और फिल्म देखने दी। फिल्म देखकर निकले कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रशासन ने तितर बितर किया। उन्होंने बताया कि यह सब पुलिस ने नहीं किया, यह सब कांग्रेस सरकार के दबाव में आकर पुलिस से करवाया गया है, जिससे भाजपा कार्यकर्ताओं में भय का माहौल बने। इसका भरपूर प्रयास कांग्रेस की सरकार ने पुलिस के माध्यम से हम पर दबाव बनाकर किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं का मनोबल कम नहीं हुआ और ना ही होगा।
देखिए मैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता फिल्म बहुत ही शांति के साथ देखने गए थे, पर जहाँ तक कि पुलिस प्रशासन का सवाल है, उन्होंने पूरी कोशिश करी कि युवा मोर्चा फिल्म नहीं देख पाए। कैसे कार्यकर्ताओं को फिल्म देखने से वंचित किया जा सकता? पुलिस ने भरपूर प्रयास करे पर कार्यकर्ताओं के आगे पुलिस को झुकना पड़ा और पिक्चर देखने दी गई। और जहाँ तक केस का सवाल है, अभी तक मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है ये कि ऐसा कोई प्रकरण दर्ज हुआ है कार्यकर्ताओं पर। मुंबई पर 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमलों की साजिश रचने वाले तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाया जा सकता है, वह अभी अमेरिका की जेल में सजा काट रहा है। मुंबई पर 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमलों की साजिश रचने वाले तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाया जा सकता है, वह अभी अमेरिका की जेल में सजा काट रहा है। हालांकि न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि उसे सजा पूरी होने से पहले ही प्रत्यर्पित किया जा सकता है। मुंबई हमलों में 166 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, मरने वालों में कुछ अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। हमले के आरोप में अमेरिका ने राणा को 2009 में गिरफ्तार किया था, उसे 2013 में जेल की सजा सुनाई गई थी। अधिकारियों के मुताबिक भारत राणा को प्रत्यर्पित करने के लिए 26/11 हमलों का हवाला नहीं दे सकता। इसकी वजह यह है कि अमेरिका में एक ही अपराध के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती। ऐसे में पहले ही अमेरिका में जेल की सजा काट चुके राणा को भारत लाना मुश्किल हो जाएगा। भारत इस स्थिति से निपटने के लिए राणा के दूसरे अपराधों को आधार बनाकर प्रत्यर्पण की अपील कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक राणा पर नई दिल्ली स्थित नेशनल डिफेंस कॉलेज और चावड़ हाउसेस पर हमले की साजिश रचने का आरोप है। इसके अलावा उस पर धोखाधड़ी का भी एक केस दर्ज है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए टीमों का गठन कर दिया है। हर टीम में लोकसभा प्रभारी और संयोजक के साथ 8 लोगों को रखा गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए टीमों का गठन कर दिया है। हर टीम में लोकसभा प्रभारी और संयोजक के साथ 8 लोगों को रखा गया है। भोपाल में पूर्व विधायक जसवंत सिंह हाडा प्रभारी और उमाशंकर गुप्ता संयोजक रहेंगे। उधर कांग्रेस हर सीट पर एक मंत्री के साथ 4 विधायकों की टीम तैनात करेगी। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पिछले 2 दिनों में दिल्ली में इस बारे में दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रभारी महासचिव दीपक बावरिया से चर्चा की। अब रोडमैप तैयार किया जा रहा है, जिसे राहुल गांधी की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। पेट्रोल डीजल के रेट में सोमवार को लगातार 5वें दिन इजाफा हुआ। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 38 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 70.13 रुपये हो गई। मुंबई में रेट 38 पैसे बढ़कर 75.77 रुपये हुआ। दोनों शहरों में डीजल की कीमतों में 49 से 52 पैसे तक का इजाफा हुआ। पेट्रोल डीजल के रेट में सोमवार को लगातार 5वें दिन इजाफा हुआ। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 38 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 70.13 रुपये हो गई। मुंबई में रेट 38 पैसे बढ़कर 75.77 रुपये हो गया। दोनों शहरों में डीजल की कीमतों में 49 और 52 पैसे तक इजाफा हुआ है। 10 जनवरी से पेट्रोल डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। इन 5 दिनों में दिल्ली में पेट्रोल 1.63 रुपये और डीजल 1.94 रुपये महंगा हो चुका है। बताया जा रहा है कि तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव और डॉलर रुपए के एक्सचेंज रेट के हिसाब से कीमतें तय करती है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मेला प्रयागराज कुंभ मंगलवार को मकर संक्रांति के साथ शुरू हो रहा है। यह 15 जनवरी से 4 मार्च तक कुल 49 दिन तक चलेगा। इस बार इसमें करीब 13 से 15 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। प्रयागराज दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मेला प्रयागराज कुंभ मंगलवार को मकर संक्रांति के साथ शुरू हो रहा है। यह 15 जनवरी से 4 मार्च तक कुल 49 दिन चलेगा। इस बार इसमें करीब 13 से 15 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि इसमें करीब 10 लाख विदेशी नागरिक शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार कुंभ 2019 को अब तक का सबसे भव्य कुंभ बता रही है। वहीं स्नान पर्व को देखते हुए प्रयागराज में 14 जनवरी से 16 जनवरी तक सभी 12वीं तक स्कूल और कॉलेजों को बंद रखा जाएगा। जिलाधिकारी ने कॉलेजों को इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है। सरकार के मुताबिक पहली बार मेला क्षेत्र करीब 45 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला है। पहले यह सिर्फ 20 वर्ग किलोमीटर इलाके में ही होता था। मेले में 50 करोड़ की लागत से 4 टेंट सिटी बसाई गई है। इस वर्ष हज यात्रा पर जाने वाले आवेदकों का चयन करने के लिए मध्य प्रदेश हज कमेटी द्वारा 15 जनवरी को दोपहर 2 बजे कुर्रा खोला जाएगा। कंप्यूटराइज सिस्टम से ये कुर्रा अंदाजी इस बार हज हाउस की बजाय रॉयल मार्केट स्थित ताजुल मस्जिद में होगी। इस वर्ष हज यात्रा पर जाने वाले आवेदकों का चयन करने के लिए मध्य प्रदेश हज कमेटी द्वारा 15 जनवरी को दोपहर 2 बजे कुर्रा खोला जाएगा। कंप्यूटराइज सिस्टम से ये कुर्रा अंदाजी इस बार हज हाउस की बजाय रॉयल मार्केट स्थित ताजुल मस्जिद में होगी।
ऑल इंडिया हज कमेटी द्वारा मध्य प्रदेश की हज यात्रियों के लिए कुल कोटा 4,660 आवंटित किया गया है, परंतु इनमें 793 सीटें 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग आवेदकों और 27 अन्य कैटेगरी के लोगों के लिए आरक्षित किए जाने की वजह से शेष केवल 3,820 सीटों के लिए ही कुर्रा खोला जाएगा। इनमें भोपाल जिले को 439 सीटों का कोटा मिला है। समारोह में विशेष अतिथि पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आरिफ अकील होंगे। इस वर्ष हज यात्रा पर जाने के लिए 15,654 लोगों ने आवेदन किया है। गत वर्ष आवेदकों की संख्या 20,000 से अधिक थी, तब कोटा करीब 4,500 लोगों का मिला था। मध्य प्रदेश हज कमेटी के कार्यपालन अधिकारी दाऊद अहमद खान ने बताया कि 15 जनवरी को कुर्रा अंदाजी समारोह की सदारत हाफिज मोहम्मद सिराज उल हसन करेंगे। मुफ्ती अबुल कलाम साहब और अन्य कई उलेमा भी अतिथि होंगे। इस वर्ष 4,660 हज सीटों का कोटा आवंटित किया गया है, जिसमें से 70 वर्ष आयु आरक्षित श्रेणी के 793 आवेदकों तथा अन्य आरक्षित श्रेणी की 27 सीटों के आवंटन पश्चात 3,820 सीटें सामान्य श्रेणी के 15,654 आवेदकों में कुर्रे द्वारा आवंटित की जाएगी।